हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ की ईवीएस की वर्कशीट 5 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में आपकी ईवीएस की बुक यानी पर्यावरण अध्ययन की बुक का पार्ट 5 बीच 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 के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे हवा, मसाले, बीज, दक्षिण अमरीका। फर्स्ट खाली स्थान है भारत में मिर्च डैश से आने वाले व्यापारियों द्वारा लाई गई थी। भारत में मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। दक्षिण अमेरिका लिखो या दक्षिण अमेरिका, बात एक ही है। सेकंड है, डैश की मदद से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ सकते हैं। किसकी मदद से बीज उड़ सकते हैं? हवा की मदद से। हवा होगी तो बीज उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। थर्ड है, सौंफ और जीरा डैश के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज है। सौंफ और जीरा मसाले के रूप में उपयोग किए जाते हैं, सब्जियों में डाले जाते हैं मसाले के रूप में। नेक्स्ट है, डैश पक्षियों, जानवरों, हवा और पानी द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं दूर दूर तक? बीज, जिसे हम इंग्लिश में सीड कहते हैं। ये पक्षियों, जानवरों, हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर पहुंच जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उन चीज़ों पर घेरा लगाइए जिन्हें पकाने से पहले कुछ देर के लिए भिगो कर रखा जाता है। तो ऐसी चीज़ें जिनको बनाने से पहले भिगो कर रखा जाता है वो है राजमा, राजमा पर गोला लगा लो, चना, चने पर भी गोला लगा लो, आलू, आलू को हम भिगोकर नहीं रखते पकाने से पहले, मूंग, मूंग की दाल भी हम भिगोकर रखते हैं, चावलों को भी हम भिगोकर रखते हैं, भुट्टा भिगोया नहीं जाता, उड़द दाल को भी हम भिगोकर रखते हैं, भिंडी को हम भिगोकर नहीं रखते, गोभी को भी भिगोकर नहीं रखते पकाने से पहले। तो जो पकाने से पहले भिगोकर रखी जाती हैं वो चीज़ें हैं राजमा, चना, मूंग दाल, चावल और उड़द की दाल। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट है, बीज किस तरह बिखरते हैं? किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो बीज बिखरने के तरीके मैंने 7 तरीके लिखे हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 तरीके अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे मानव द्वारा, जानवरों द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, बीजों का खुद छिटक कर बिखरना, कीड़े मकोड़े द्वारा और पक्षियों द्वारा। इनमें से मैंने 2 के बारे में लिखा है मानव द्वारा। हम खुद बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे औषधीय, खाद, सजावटी पौधों के बीज हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो मानव द्वारा बीज बिखरते हैं। सेकंड है, जानवरों द्वारा। जानवर कुछ फल खा लेते हैं, बीज उनके पेट में पचते नहीं और मल के साथ ज़मीन तक पहुँच जाते हैं। कुछ बीज जानवरों से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये बीज अलग अलग जगह छूटते जाते हैं। इस तरह से बीज जानवरों के द्वारा भी बिखरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे से बीज से बड़ा पौधा बनने के लिए बीज को किसकी ज़रूरत होती है? तो बीज को ज़रूरत होती है बड़ा पौधा बनने के लिए नमी, हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी और गर्मी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अंकुरित भोजन क्यों खाना चाहिए? इसका उत्तर है, अंकुरित भोजन अधिक पौष्टिक होता है और आसानी से पच जाता है, इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसलिए हमें अंकुरित भोजन खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है और उन्हें खाता है? इसका उत्तर है, नेपेंथिस नाम का पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े खाता है। इसकी पत्तियों के सिरों पर एक सुराही जैसा आकार होता है और ये फंदे का काम करता है जिसमें कीट पतंगे फंस जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्टिविटी जिसे हम हिंदी में गतिविधि कहते हैं, किन्हीं 4 तरह के बीज को पानी में 7-8 घंटे के लिए भिगोना है। पानी अलग कर दो और बीज को गीले कपड़े में लपेट लो। रोज ध्यान से देखो जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए। अब इस टेबल को पूरा करो।
बीज का नाम लिखो जो आपने लिया। जैसे मैंने लिखा है मूंग, मटर, चना और राजमा, इसके बीज मैंने लिए, इन्हें भिगोया और फिर कपड़े में बांधकर छोड़ दिया, तो 2 या 3 दिन में ये अंकुरित हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, कुछ बीजों को खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दी गई तालिका में इन उन बीजों के बारे में लिखिए और चित्र बनाइए। बीज का प्रकार है अनाज के रूप में। अनाज के रूप में हम कौन सा बीज खाते हैं? चना। चने का रंग कैसा होता है? भूरा। इसकी ऊपरी सतह खुरदुरी होती है इस बीज की, और इसका चित्र भी बना हुआ है। अगला जो है वो है मसाले के रूप में। मसाले के रूप में हम जीरे का भी प्रयोग करते हैं। जीरा एक बीज होता है जो कि सलेटी रंग का होता है और खुरदुरा होता है। जीरे का चित्र मैंने बना रखा है। थर्ड जो बीज का प्रकार है वो है किसी सब्जी का बीज। किसी सब्जी का बीज यानी मटर मैंने लिया है, और मटर होती है हरे रंग की और मुलायम होती है, ये भी एक बीज होता है। अगला जो बीज का प्रकार है वो किसी फल का बीज। तो फल का बीज मैंने लिया है तरबूज का बीज, जो कि भूरे रंग का होता है और मुलायम होता है, उसका चित्र भी मैंने बना रखा है। तो बच्चों ये थी क्लास 5th की EVS की वर्कशीट 5। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो चले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।